सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल टेक्निकल गुरु चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोबाइल को कैसे अपडेट करते हैं। दोस्तों, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सही तरीके से काम नहीं करता है और अपने मोबाइल को आप फॉर्मेट भी कर लिए हैं, रीसेट भी कर लिए हैं, फिर भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद काम नहीं करता है, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर है उसे नए वर्जन में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपका ये मोबाइल सही तरीके से काम करेगा। दोस्तों, यदि अपने मोबाइल फ़ोन को किसी दुकानदार के पास अपडेट कराने के लिए ले जाते हैं तो आपसे वो दुकानदार 300 से 400 रुपये ले लेगा और हम इस वीडियो में आपसे एक रुपया नहीं मांगेंगे। आपको बस इस वीडियो को देख लेना है, उसके बाद अपने मोबाइल से ही अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इन सभी के बारे में जानना है, सीखना है, तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखना होगा और ये वीडियो आपको जैसा भी लगे इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना है यहाँ से, और जब आपके फ़ोन में ये सेटिंग ओपन हो जाएगा तो ड्रॉ करके आप नीचे आइएगा, जहाँ भी आपके पास मोबाइल में सेटिंग हो वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग आपको नज़र आएगा अबाउट फ़ोन का, यहाँ पे देख सकते हैं अबाउट फ़ोन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा आपको मोबाइल से संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर देखेंगे वायरलेस अपडेट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस नज़र आएगा। दोस्तों, किसी भी मोबाइल को अपडेट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपका जो मोबाइल है उसकी बैटरी कम से कम 90 से 100% होना चाहिए और आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी इंटरनेट है वो हाई स्पीड होना चाहिए, ठीक है। और जब भी आप अपने मोबाइल को अपडेट करें तो आप बीच में मोबाइल को रीस्टार्ट या बंद न करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको यहाँ से चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बोल रहा है हमारा मोबाइल की योर सिस्टम इज करेंटली अपडेटेड, इसका मतलब ये है कि हम जो अपना मोबाइल है वो पहले से ही अपडेट कर लिए हैं। दोस्तों, यदि आपका मोबाइल अपडेट नहीं है तो यहाँ पर एक वर्जन नया वर्जन शो करने लगेगा और उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा। अपडेट करने के लिए कम से कम आपके लिए 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा, ये आपके मोबाइल के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका मोबाइल का स्पीड अच्छा है तो आपका मोबाइल 10 से 15 या 20 मिनट में अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी मोबाइल को अपडेट करने के लिए जब आप अपडेट करेंगे तो आप अपने मोबाइल को जैसे अपडेट पे क्लिक करें उसके बाद आप छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल अपडेट हो जाएगा और दोबारा से जब रीस्टार्ट होगा तो आपका मोबाइल पहले जैसा काम करने लगेगा और जो भी आपके मोबाइल में हैंगिंग से संबंधित प्रॉब्लम रहेगा सब कुछ दूर हो जाएगा और आपका मोबाइल नए जैसा काम करने लगेगा। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि अभी तक हमारा चैनल मोबाइल टेक्निकल गुरु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकान है उस पर आप क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।